वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हमने ये सोचा कि चंडीगढ़ में हम खुद भी एक्सरसाइज करेंगे और जो लोगों को भी जागरूक करेंगे। हर स्टेशन के ऊपर नंगल, सुंदरनगर, तलवाड़ा, यहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स और बाकी सब स्टेशन पे भी हो रहे हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि BBMB ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मद्देनजर एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया। ये साइक्लोथॉन चंडीगढ़ के 35 सेक्टर में BBMB के रेस्ट हाउस से शुरू होकर सुखना लेक तक हुई। BBMB के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए कहा कि आज इस साइक्लोथॉन के साथ नुक्कड़ नाटक और ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी आयोजित करवाए गए थे। इसके साथ ही दिन भर विभिन्न तरह के कार्यक्रम और शाम को 17 सेक्टर के प्लाजा में एक और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही BBMB के डायरेक्टर नवीन गुप्ता ने कहा कि लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वातावरण संरक्षण एवं बचाव के लिए सुझाए गए विभिन्न आयामों का जिक्र भी किया जाएगा ताकि वातावरण प्रदूषण कम हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। अंततः BBMB की जॉइंट डायरेक्टर लिप्सी अग्रवाल ने युवकों के नाम संदेश दिया कि सेव एनर्जी कैंपेन में अपना योगदान देना चाहिए। घर पर ही छोटे छोटे कदम उठाने से एनर्जी को सेव करके वातावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के चलते दुनिया भर में बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में BBMB द्वारा एक बहुत ही यूनिक फंक्शन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं जो BBMB के चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं कि आज का जो फंक्शन था ये किस तरह से खास था। जैसे आपको पता है BBMB एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सजग है और हमारे हर स्टेशन के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, हेल्थ हो, हर चीज़ के ऊपर किया जाता है। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हमने ये सोचा कि चंडीगढ़ में हम खुद भी एक्सरसाइज करेंगे और जो लोगों को भी जागरूक करेंगे। इसके तहत हमने जो है साइक्लोथॉन किया, इसके बाद नुक्कड़ नाटक होगा, पूरे दिन का ये प्रोग्राम है और फिर दिन में ड्राइंग कंपटीशन होगा, इसी विषय के ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। शाम को फिर 17 सेक्टर में नुक्कड़ नाटक होगा जहां पे पब्लिक को दिखाया जाएगा और उनको इसके बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा और शाम को फिर रात में इवनिंग में एक फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक प्रोग्राम होगा। ये खाली चंडीगढ़ में है, इसके अलावा हर स्टेशन के ऊपर नंगल, सुंदरनगर, तलवाड़ा, यहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स और बाकी सब स्टेशन पे भी हो रहे हैं। आपके अंडर में कितने स्टेशन है और वहां पर किस तरह के इसी तरह के प्रोग्राम है या इनसे हटके भी और तरह के हो रहे हैं? हर स्टेशन के ऊपर वहाँ के चीफ इंजीनियर्स ने कुछ प्रोग्राम चेकआउट किया है, वहाँ लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वहाँ पे क्या जरूरत है, किस चीज़ को के बारे में लोगों को अवेयर करना है वो है। हमारे आपको पता है करीब 24 सब स्टेशंस हैं, उसके बाद हमारे डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, तो काफ़ी हैं हमारे इंस्टॉलेशंस। अभी साइकिल रैली में BBMB के एम्प्लॉयज ही थे या और आउटसाइडर्स भी अलाउड थे? सभी अलाउड थे, इसमें BBMB के एम्प्लॉयज भी थे, आउटसाइडर्स भी थे, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकता था। आउट ऑफ द वे बात करना चाहूंगा, BBMB एक्चुअल में क्या क्या काम, दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि वो क्या क्या काम है जो पब्लिक को सर्व करते हैं। जैसा आपको पता है BBMB काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली ये वाटर और पावर में है और ये हम इसका पानी पंजाब के किसानों को हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी ड्रिंकिंग वाटर हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे 6 पावर प्लांट हैं और जहां पे हम करीब 10 से लेके 14,000 मिलियन यूनिट तक बनाते हैं और बहुत सस्ती बिजली है, हमारी बिजली करीब जो है 45-47 पैसे की पड़ती है और शायद मेरे ख्याल जबकि आज की डेट में एवरेज रेट जो है 3 रुपए से ऊपर का है जी। तो इस प्रकार से हम पब्लिक की सेवा करते हैं। BBMB द्वारा अभी फिलहाल कितने स्टेट्स को बिजली पानी दिया जाए? जैसे मैंने बताया आपको पार्टनर स्टेट्स हैं हमारे जिसमें मेन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूटी, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पे हम वाटर और पावर दोनों देते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस फंक्शन से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन
जुड़े हैं जो बीबीएमबी के डायरेक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर और क्या क्या खास है जो दुनिया को करना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जो COP26 ग्लासगो में समिट हुआ था उसमें उन्होंने ये कॉइन किया था एक कंसेप्ट। इसका बेसिक मतलब ये है कि भी हमारे को नेचर के साथ इन सिंक्रोनाइजेशन हमारे को रहना चाहिए। तो उसमें कुछ उन्होंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं कि उसमें एक है कि जैसे सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, हेल्दी लिविंग। तो इस तरह से मतलब उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि जिसमें कि हमारे को अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल के अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं तो हम एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे और दूसरा हम एनवायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं करेंगे बल्कि एनवायरमेंट को हम सस्टेन करने के लिए एक सस्टेनेबल अर्थ की तरफ हम बढ़ेंगे जी। तो वो एक यूनिक कंसेप्ट है जो हमारे को लॉन्ग रन में अपनाना है। तो ये बेसिकली ये जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं जैसे चेयरमैन साहब ने भी आपको बताया, तो ये इवेंट्स हम पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि भी पब्लिक इन कंसेप्ट्स को जाने, इन चीजों को अपनाएं अपनी डेली लाइफ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और हमारे को पर्यावरण में भी इसका लाभ मिले। पर्यावरण की बात की जा रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बीएमबी किस तरह से हेल्प करती है पर्यावरण को सेव करने के। हाँ, बीबीएमबी देखिए, पहले तो हमारा जो बेसिक जो वर्किंग है, जैसे चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हम पानी और बिजली प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी जितनी भी हम बिजली प्रोवाइड करते हैं दैट इज अ ग्रीन पावर जी। तो हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या हम अब कुछ सोलर पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं, पंप स्टोरेज प्लांट्स हम सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स या ऑलरेडी लगे हुए हैं या लगने वाले हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, हम ग्रीन एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बीबीएमबी प्लांटेशन कर रहा है, तो जिससे कि हमारे एक तो उसमें से हमारे को ड्यूल बेनिफिट होता है, एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होती है और दूसरा ये है कि हमारे रिजर्वायर्स में जो हमारे डैम्स हैं उसके अंदर जो गाद आती है, जो सिल्ट आती है वो उससे अरेस्ट होती है। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारी स्कीम्स हम चलाते रहते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, टाइम टू टाइम उसकी अवेयरनेस करने के लिए हम एक मतलब लार्ज स्केल के ऊपर हम एक पेंटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों को एनर्जी सेविंग की तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित करते हुए हम कोशिश करते हैं कि समाज को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि वो एनर्जी सेविंग करें ताकि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। बीबीएमबी के ज्वाइंट डायरेक्टर लिप्स अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बेहतरीन इवेंट रहा, साइकिल कंपटीशन में हमने बहुत भीड़ देखी, इसको अरेंज कैसे किया और कितनी दिक्कतें आई ये जानना चाहूंगा। दिक्कतें कुछ खास तो नहीं आई, अरेंज तो हमें ये था कि ऑब्वियसली साइकिल रैली इज मस्ट, जब हम सेव एनर्जी या सेव अर्थ की बात करते हैं तो साइकिलिंग इज अ मेजर फैक्टर, तो उसके लिए हमें करना ही था। तो दिक्कत कुछ नहीं आई, डिपार्टमेंट ने आसानी से सब कुछ वो करवा दिया, परमिशंस लेनी थी डिपार्टमेंट से, डीसी ऑफिस से, वो सभी इजिली मिल गई थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत खुशी हुई कि हम एक अच्छा प्रोग्राम कर सके। वी वॉन्टेड कि मास मोबिलाइजेशन हो और लोग हमारे साथ जुड़े, एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। अगर कुछ लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे हमारे इस एफर्ट से तो वील बी ऑब्लाइज्ड। बीबीएमबी पहले ही इतना कुछ भारत के लिए, दुनिया के लिए और इनके लोगों के लिए करती है, लेकिन आज एक्स्ट्रा चीज देखने को मिली, तो मैं ये चाहूंगा कि लोगों से कुछ शब्द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपकी ओर से क्या रहेंगे। हम तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यही लोगों को करेंगे कि आप प्लीज सेव एनर्जी में जितना कर सके, बिकॉज वी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो जितना ज्यादा आप अपना कंट्रीब्यूट, अगर हम थोड़ा सा भी, एक इंसान भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे, जो मिशन लाइफ कैंपेन है जिसके अंतर्गत हमने किया है उसमें यही कहा जाता है कि इवन इफ वन इंडिविजुअल गिव्स हिज और हर पार्ट इन दिस सेव एनर्जी कैंपेन, तो हम कितने ज्यादा ग्रीन हाउस इमिशंस एज वेल एज कार्बन इमिशंस में रिडक्शन कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, एटलीस्ट एसी ही हम अगर 24 डिग्री सेल्सियस एंड अबव चलाएं, स्टेयर्स यूज करें जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी है, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब हम कमरे से बाहर निकले तो लाइट्स बंद कर दें, एसी ऑफ करें, तो ये सारी चीजें ही अगर हम कर लेते हैं तो हम अपना पार्ट अपने देश के लिए और दुनिया के लिए देंगे ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को
हम बेटर फ्यूचर दे सकें। हमसे पहली जो पीढ़ी है उनकी तो आदतें बन चुकी हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उनकी आदतों में सुधार किया जा सकता है, तो यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं यही कहूंगी कि एक तो हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए, इसमें एक अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, तो ट्राई कि आप जितना ज्यादा अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमने एक लेक्चर किया था इसी दौरान प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस में, उसमें हमें यही बताया गया कि ओबेसिटी इज अ मेजर फैक्टर, सो रेदर देन बीइंग लेजी अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा या कुछ ऐसा करें जिससे हम फिट रहे, क्योंकि ओबेसिटी ही हार्ट डिजीजेस, अब आप रिसेंट में देखेंगे कितनी सारी न्यूज आ रही है कि हमारी जितनी एज के पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ गया 37 ईयर्स के बंदे को हार्ट अटैक आ गया, तो ये चीज अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि वी कंट्रोल आवर वेट, आप एक्सरसाइजेस करिए रेगुलरली, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप चलेंगे दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप एनर्जी भी कहीं ना कहीं कम यूज करेंगे, तो आप अपना यही पार्ट दें कि आप अपना भी ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये सुना आपने बीबीएमबी की वो बड़े लोगों को जो पूरे के पूरे बीबीएमबी को चलाने में एक सहयोग देते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप लोग भी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रतिज्ञा लें ताकि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।